बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम फहीम खान है। चुनावी सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम सिवान नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 35 में पहुंचे हैं। ये वार्ड 35 जो है वो पहले वार्ड 26 और वार्ड 29 मिलकर के अब जो है कि इसे 35 बना दिया गया है। नए समीकरण में वार्ड 26 और 29 को मिलाकर के 35 बनाया गया। इसके पहले दो पार्षद हुआ करते थे लेकिन अब एक ही पार्षद हो गया। देखिए, इस वक्त हम वार्ड नंबर 35 में हैं और वार्ड नंबर 35 से सुग्रीव प्रसाद जो है वो प्रत्याशी हैं, दो बार रह चुके हैं यहाँ से पार्षद। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ विकास कार्य हुआ पिछले दो टर्म में। बात करें दो टर्म की तो राम राज्य मोड़ पे जब आएंगे तो कई सारे काम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके ही जबानी सुनते हैं क्या कुछ कार्य रहा और भ्रष्टाचार का धब्बा इन पे लगा कि नहीं लगा, इस पे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा बड़ा स्वागत आप पत्रकारों भाई का, मीडिया भाई के। ये बताइए कि पिछला 10 साल जो रहा, दो टर्म रहा, कैसा बिता और इस बार कैसा बीतने वाला है? पहले दो टर्म में मैंने कम से कम 1.5 करोड़ का काम करा दिया है वार्ड में। सबसे पहले बहुत सिवान की खूबसूरती के लिए राम राज मोड़ पर फुहारा बनवाए, यहाँ पर पानी टंकी बनवाया, जो सीमेंटेड में पानी टंकी बना, शहर में कितने पानी टंकी लगे सब बर्बाद हो गए, मगर यहाँ राम राज मोड़ का 2 पानी टंकी आज भी चलता है। थोड़ी सी बात स्कूटी से चाहे किसी अफसर से कहने पर लोग कहते हैं खराब कैसे हो जाता है, हम कहते हैं कि घर का बिजली का पंखा खराब हो जाता है, एसी जल जाता है, टीवी जल जाता है, बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो उसके लिए कोई नहीं कहता है। अगर सरकारी संपत्ति रोड पर लगा हुआ है और खराब हो जाता है तो उसके लिए फंड नहीं है। राम राज्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फव्वारा लगाया आपने, हाँ। लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने लगाने का काम किया और उसके बाद वो खराब हो गया तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैंने लिखित दे दिया है और हो सकता है कि चुनाव बाद तुरंत बन जाएगा, वो ये मेरा दावा है। चुनाव को पहले नहीं होगा, जांच संहिता लगा हुआ है इसलिए नहीं हो पाएगा, मगर सारा स्कीम इसका बन चुका है। 2 लाख का लगभग बजट है इसका, लाइट मंगाने का, उसमें लाइट अब अलग किस्म का लाइट लग रहा है। बनने के कितने दिन बाद फिर खराब हुआ था वो? कम से कम 2 साल के बाद खराब हुआ। 2 सालों तक चला था। सब लोग आते थे, सेल्फी लेते थे, यहीं पर पिकनिक स्थल बन गया था, मगर अब क्या कहे, दुर्भाग्य अपना कहे या ऑफिस का दुर्भाग्य कहे, काम ने तो। अब वार्ड 29 और वार्ड 26 दोनों को मिलाकर वार्ड 35 बनाया गया है। अब वार्ड 35 के लिए क्या करने वाले हैं? वार्ड 35 में मैंने घुमा डोर टू डोर तो बहुत लोगों की शिकायत है कि मेरा पेंशन नहीं बना है, मेरा आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, मेरा नाला गली खराब है। तिवाही टोला में जो गए तो हम पूरा नाला रोड एकदम समस्या ही समस्या है। मैंने कहा कि सबका राशन कार्ड बनवा देंगे, सबका पेंशन बनवा देंगे और जो नाली बाकी है वो भी बनवा देंगे। अभी शिशुअन ढाला से लेकर 1.25 करोड़ का योजना स्वीकृत है, शिशुअन ढाला से गीतांजलि तक नाला बनाने के लिए, गीतांजलि से लेकर राम मोड़ तक नाला बनवा दिए, 55 या 56 लाख का था वो, गली गली रोड बनवा दिए, थोड़ी सी समस्या रह गई है वो भी पूरा हो जाएगी। देखिए, कुछ वार्ड पार्षदों पे भ्रष्टाचार का धब्बा लगता है, इतना आपने काम गिनाया, इतने करोड़ का ये फंड आया, इतने करोड़ का ये फंड आया, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का धब्बा लगते लगते बच गया या फिर नहीं लगा? क्या हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का धब्बा लगबे नहीं किया आज तक, हाँ। तो, उसका फेर में रहते हैं। वजह क्या थी कि नहीं लगा? नहीं लगा तो हमको कमीशन दलाली से मतलब ही नहीं है, हाँ। काम सेवा करना है तो काम करना है, पब्लिक का काम है, स्कूटी को टेंडर होता है, टेंडर लोग काम करते हैं, उसे हमको न लेना है न देना है। अच्छा, जो कई सारे प्रत्याशियों की बात की जाए जो अभी चुनावी मैदान में है, इससे पहले भी वो वार्ड पार्षद रहे, भ्रष्टाचार का धब्बा लगा, कई सारे नेता हैं जिनके ऊपर लगते रहता है, आखिर उनके ऊपर क्यों लग जाता है? क्या लगता है, कमीशन के चक्कर में या क्या? उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे आप? अब उन लोगों की राय हम क्या दें, उन लोगों को अपने अपनी विचार है उन लोगों की। जब तक कमीशन खोरी नहीं बंद होगा देश से, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। कमीशन खोरी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। देखिए, लगातार प्रत्याशी जो हैं वो दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आगामी 28 दिसंबर को सिवान नगर परिषद में मतदान होने को है
और प्रत्याशियों का दौरा जो है वो जोरों शोर पे है, क्योंकि वक्त अब कम बचा है। 26 तारीख को आखिरी चुनावी प्रचार का दिन है, शाम 4 बजे के बाद जो है कि चुनावी प्रचार जो है वो बंद हो जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं इनके साथ, उन लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। ये बताइए, अब वार्ड नंबर 35 के लिए उम्मीदवार हैं ये, इसके पहले इनके काम से क्या क्या लग रहा है कि 35 के लिए कुछ कर पाएंगे? 26 में जितना बढ़िया काम किए हैं, हमारे नज़र में अभी तक कोई तो कोई प्रत्याशी दिखा नहीं है। जो काम हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सुंदर ये सुनहरा काम किया है। जब इनका नाम लेंगे, जो फुहारा बनाए, फाउंटेन बनाए रामराज मोड़ पे, जिले में कहीं नहीं है, और जगह जगह पे पानी का व्यवस्था, सरकारी नल का व्यवस्था, इस चीज़ को देखते हुए कितने लोगों का राशन कार्ड बनाए हैं, पेंशन योजना बनाए हैं, घर के लिए व्यवस्था बनाए हुए गरीब लोग के लिए, इसके लिए और क्या चाहिए? ये तो देवता समान है एक तरीका से, मेरे लिए तो देवता समान, देवता समान। हाँ, जो काम करेगा वो मेरे लिए देवता है। ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है चुनाव के बाद, जैसा विकास वार्ड नंबर 26 में हुआ, अब 26 और 29 को मिला के जो 35 बना है, 35 में हो पाएगा? उम्मीद यही है कि जिस तरह इन्होंने 26 में काम किया है, सेम उसे ही उससे बढ़िया 35 में काम करेंगे। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि अब माहौल कैसा है, चुनाव का वक्त जो है कि बहुत कम है जी, 28 तारीख को चुनाव होने के है, माहौल कैसा है? माहौल तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म, ठंडी में भी गर्मी, ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हर प्रत्याशियों को अपना अपना मेहनत करना है, मेहनत के जितना होगा उतना ही हम लोग को फायदा होगा। और हम लोग अभी हम लोग तुरंत घूम के ही आए हैं वार्ड से। टोटल हम लोग का वार्ड थोड़ा बड़ा हो गया है, हमको लग रहा है कि सिवान जिले में 4 ऐसे वार्ड हैं जो इतने बड़े वार्ड हैं। चुनौती थोड़ी अधिक है, लेकिन उसका सामना किया जाएगा। पहले 26 नंबर वार्ड में बहुत सारा विकास हुआ, 2 टर्म में हम लोगों के रहते हुए बहुत सारा विकास हुआ। हर आदमी के घर में पेंशन, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, जितना हो सके उतना हम लोगों ने कार्य किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अछूते रह जाते हैं, लेकिन आगे चल के उसको प्रयास किया जाएगा करने के लिए। चाचा, ये बताइए कि अब वार्ड 35 के लिए क्या विकास कार्य होगा? आपके प्रत्याशी जो हैं लगातार 26 में उन्होंने विकास कार्य किया है, 35 के लिए क्या कर पाए? 26 में जो जितना काम हुआ है, और प्लानिंग यही है कि 35 में भी उससे बढ़िया काम हो, ताकि वहाँ की जनता देखे कि नए आदमी को हमने मौका दिया तो कैसा काम हुआ। क्या लग रहा है, लगातार कई सारे प्रत्याशी आते होंगे 35 नंबर वार्ड बनने के बाद, इनके साथ आप लोग घूम रहे हैं, क्या वजह क्या है? वजह है कि इनके काम को देखकर कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। और प्रयास है कि काम करने वाला आदमी फिर जीते, ताकि अधिक से अधिक काम हो, निस्वार्थ भाव से काम हो, विकास हो, वार्ड का विकास हो, यही उद्देश्य। चलिए, 28 तारीख को चुनाव होने को है, और क्या कुछ कहेंगे, अपील अपील क्या करेंगे? 28 तारीख को मतदान होने को है, अपने क्षेत्र की जनता से, लोगों से क्या अपील करेंगे? युवा हैं आप, हमारे क्षेत्र और जनता से अपील है, ये सुबह उठे, मॉर्निंग में जाएं, पहला मतदान करें, बढ़िया प्रत्याशी चुने जो आपके सामने अवेलेबल हो, आप उसके घर पर जाने बाद समस्या सुने, ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह मोर छाप जो कि 7 नंबर पे अंकित है, इसको बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं, ये जनता का आशीर्वाद हमें चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वार्ड नंबर 35 में अभी हम हैं, और लगातार अलग अलग प्रत्याशियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे। देखिए, सिवान के कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बातचीत करने की हमारी कोशिश रह रही है। अभी वार्ड नंबर 35 में थे, प्रत्याशी से भी बातचीत हो रही थी, और उनके साथ घूमने वाले लोगों से बातचीत हो रही थी। हालांकि वार्ड नंबर 26 के पहले वो पार्षद रह चुके हैं 2 टर्म से, तो वार्ड नंबर 26 में जो विकास किया है उन्होंने, तो अब लोगों की उम्मीदें भी जगी है कि वार्ड नंबर 35 जो है, यानी कि 26 और 29 वार्ड को मिला करके, वार्ड संख्या 26 और वार्ड संख्या 29 को मिलाकर के वार्ड संख्या 35 बनाया गया है। तमाम लोगों की उम्मीदें जो है कि जग गई है कि वार्ड नंबर 35 में भी अब वार्ड नंबर 26 की तरह विकास कार्य होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे सिवान।